एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं होंगे। और मैं यहाँ पे अभी जो मेले से जो भी सामान लिया गया था तो वही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो भाई अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ मेरी भाभी आई थी तो वो आप लोगों को हाय बोल रही थी। तो बस ये देखिए गणेश जी हैं लिए थे। तो सबसे पहले गणेश जी से ही शुरुआत है, छोटे से गणेश जी हैं। तो देखिए क्या क्या है टॉय में आप लोग। मैंने वहाँ से अपने लिए बैंगल्स लिए थे बस, और ज़्यादा तो कुछ अच्छा था नहीं, बच्चों का ही था जो भी था वहाँ पे। तो मैं भी आपको बैंगल्स दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने दो तरह के लिए, एक वाइट है और एक ये मल्टी कलर है, जो सभी ड्रेस के साथ मैच हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये दो कलर चूज़ किया। तो ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गए, 100 रुपीज़ में मिले हैं। 100 के हैं दो सेट, 200 में। तो मार्केट में शॉप पे ले जाओगे तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, और वहाँ पे मुझे ये 100 में मिले हैं तो मैंने ले लिया। मुझे ये सही लगा इसका रेट। और फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाती हूँ, अभी सबके पास समय बीत जाता है और हर समय कैमरा लेके अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड करती। जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ जो टाइम मिल जाता है तो, वरना क्योंकि मैं यहाँ दो दिन के लिए ही आई हूँ, ज़्यादा समय नहीं है और मैं कल चली भी जाऊँगी। तो ये देखिए छोटी सी प्यारी सी मेरी भतीजी है ये, और अभी शाम के समय मेरी सिस्टर हैं तो वो यहाँ पे शाम के चाय की तैयारी, चाय चढ़ा दी है उसने बनने के लिए, और एक तरफ इधर ही पापड़ फ्राई कर रही है। तो हम लोग शाम की चाय पी लेंगे, तो उसके बाद थोड़ी देर बात तय करेंगे, फिर वो शाम को डिनर बनाएगी। मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, यहाँ भाभी हैं मेरी, दो सिस्टर हैं तो वही लोग सब कुछ कर लेती हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। और ये आज शाम को यहाँ पे पार्टी चोखा बनेगा, उन्होंने सब कुछ बना लिया था, सब कुछ तैयारी कर ली, तब मुझे पता चला तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सत्तू का मसाला है, इसे प्याज और लहसुन अदरक ये सभी को मिक्स करके अच्छे से इसका मसाला बना रखा है, और आटा गूंथ के इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, इसमें मसाला भर के इसे गोल गोल बना देंगे, बाटियों का आकार दे के इसे कंडी में फिर सेक की जाएगी। ये फ्राई वाली भी बनती है, सेक की भी बनती है, तो कंडी वाली बनाएंगे आज हम। तो आप लोग यही देखिए, और मैं अगर कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ ये चोखा बना रहे हैं, चोखा पहले बना लिया, फिर उसके बाद इधर ये जब तक कंडी भी इधर लगा दी थी इन लोगों ने, तो वो कंडी जब जल जाएगी सिर्फ उसमें राख सी रह जाएगी आज, फिर उसमें सेकी जाएगी ये बाटी। और बस फ्रेंड इस ये डिनर हमारा तैयार हो जाएगा बाटी चोखा का। और बाटी चोखा आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इसको अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।